फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो अभी टाइम हो गया है 10:30, मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट करा है और मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्या काम चल रहा है मेरा। तो यहाँ मेरी बन रही है मशरूम की सब्जी, मैं मशरूम बनाऊंगी, मशरूम शिमला मिर्च। तो इसमें मैंने सब प्याज मिर्ची और शिमला मिर्ची सब काट के रख लिया है, मशरूम काट लिए, ये लहसुन और तेल मैंने चढ़ा दिया है और ये मेरा सैलड जो मैंने कट करके रख लिया है। इधर मैंने दही भी जमा दिए, मैंने दो दही जमाए हैं, तो इनको भी जमा के रख दिया है। तो जैसे ही ये गर्म होगा इसमें अपन ऑनियन वगैरह डालेंगे और उसके बाद मुझे काफ़ी सारा काम है। अभी तो बच्चों को भी नहलाना है, आज मैं नहा ली हूँ और बच्चे नहीं नहाए, तो बच्चों को भी नहलाना है, कपड़े भी वॉश करने हैं, तो मशीन चलानी, तो मशीन तो मेरी आप लोगों को पता ही है, मतलब डेली ही चलती है, पता नहीं गर्मी है इस कारण इतने कपड़े हो रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं, तो डेली ही मशीन चल रही है मेरी। तो अभी मशीन भी चलाना है, बच्चों को भी नहलाना है और हम लोग जाएंगे आज मार्केट, तो फिर दूसरे मार्केट जाएंगे हम लोग, तो मार्केट भी जाना है। तो अभी जल्दी सी सब्जी को रेडी कर देती हूँ और आटा लगा देती हूँ और कोशिश करूँगी कि खाना वाना सब बना के फिर ही किचन से बाहर निकलूँ, तो जल्दी सारा काम करके और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, मेरी सब्जी बनकर एकदम रेडी है, देखो कितनी अच्छी बनी है। आज मैं थोड़ा मिर्च मसाले वाली सब्जी बनाई है, क्योंकि ये ना मशरूम की सब्जी सादा सिंपल अच्छी लगती है, यहाँ रोटी भी बन गई है। तो अभी जल्दी सी चियावीर को नहला के फिर खाना खिलाती हूँ। तो मैंने खाना बनाया, जब तक मेरे कपड़े धुल गए मैंने मशीन चला दी थी, सब्जी को जैसे ही छोका उसके बाद मैंने मशीन चला दी थी, तो यहाँ पे मेरे कपड़े सारे धुल के रेडी हो गए, इनको यहाँ पे जल्दी से सुखा देते हैं। और उसके बाद में मेरे पास एक और काम है, कल ये सारे कपड़े धुले थे जिनको मैंने अभी तक नहीं समेटा है, तो इन सबको समेट के रखूँगी, जो सोफे कवर बेडशीट वगैरह धुले थे तो इनको फोल्ड वोल्ड करके फिर रखूँगी। तो पहले सबसे पहले अपन इनको सुखा देते हैं। और आज मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, आज धूप नहीं आई है, सुबह से धूप नहीं आई है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ये देखो वहाँ दूर सारी बिल्डिंगें दिखाई देती है, ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बादल ही बादल हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी का सीन ये है, टाइम हो गया 12:30 और हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, खाना वाना सारा हमारा हो गया है और मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने पहनी है कैपरी और बैग में रख लिया है सारा सामान और मेरी चीकू भी रेडी हो गई है, चिकू ने भी सैंडल पहनी, चिकू की मम्मा ने भी सैंडल पहनी है और वीरू अपनी पहन ली, क्योंकि वीरू ने रॉन्ग पहन ली थी, अलग अलग सेम लेग में नहीं, अलग अलग पहन ली, अच्छा रॉन्ग पहन ली थी, कुल मिलाकर है। अभी वीरू रेडी हो गई है, चले बेटा, और लड्डू को मैंने सुला दिया है और हम आएंगे जब तक लड्डू की 2-3 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट पास में है, तो जल्दी से निकलते हैं डाउन गेट पे गाड़ी खड़ी करके, फिर वहां से हम ऑटो से जाएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट लोग बताया था आपको कभी रास्ता मुझे इतना यहाँ के ध्यान नहीं है, तो नए रास्तों पे मैं गाड़ी लेके नहीं निकलती, क्योंकि बच्चों का भी ध्यान रखना होता है और रास्ते का भी ध्यान रखना होता है, ट्रैफिक भी काफ़ी रहता है मुंबई में। और मार्केट जाने का ऐसा है कि मेरे साथ आर्या और आशवी, ए बेटो, आर्या और आशवी भी जा रही है, तो उन लोगों का साथ हो जाता है तो मेरे लिए थोड़ा और ईजी हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ 2-2 बच्चे रहते हैं, फिर भी मैं 2-2 बच्चों के साथ ही मार्केटिंग कर लेती हूँ, नहीं तो लोग एक बच्चे के साथ भी नहीं कर पाते हैं, मैं 2 बच्चों को हैंडल करके मार्केट में चली जाती, क्योंकि इनका तो ऐसा है कि अभी इनको बड़ा होने में, उतना बड़ा होने में तो अभी भी 2-3 साल तो कम से कम है कि ये ना थोड़ा समझदार हो जाए, तो 3 साल तक ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ भी ना करूँ, अपनी मतलब ज़िंदगी रोक के ही बैठ जाऊँ, तो जो मुझे थोड़ा ठीक लगता है मैं मैनेज कर सकती हूँ, उतना मैं अकेले कर लेती हूँ। आगे नहीं बैठना, पीछे बैठना है बेटा, उधर वाले गेट से बैठो, चिया इधर वाला डोर ओपन मत करो, चिया इधर वाले से आओ, हाँ इसमें बैठो, अरे इसमें फाइट करने की क्या बात आई बताओ, मम्मा का बैग लेके बैठ जाओगे, ले लोगे बैग, लो तो पकड़ लो, इसके अंदर ये भी रख लो, ये जिप ओपन करना और इसके अंदर हैंकी डाल देना, इधर से ओपन होगी, देखो इसके अंदर रख दो, ठीक है चले उधर साइड हो, मैं डोर क्लोज करू, नहीं नहीं वहां आंटी बैठेगी, आशवी की मम्मा बैठेगी। तो यहाँ पे कटल मिल रहा था फ्रूट की तरीके से, यहाँ पे कटल लोग फ्रूट की तरह खाते हैं इसलिए इसको जैक फ्रूट बोलते हैं, मेरे को पहले नहीं पता था कटल को फ्रूट की तरह खाया जाता है। बहुत सारी वॉच दिलाओगे, मनी है आपके पास, कॉइन से बहुत सारी वॉच मिल जाती है, अरे देखो मेरी बेटी मेरे को बहुत सारी वॉच दिलाएगी, क्योंकि इसके पास कॉइन्स है, मनी में कॉइन्स है उसके पास, आपके दिलाओगे फिर मम्मा को,
मनी नहीं है, पापा से ले लेना, पापा से ले लेना। आपके पास मनी तो? मेरे पास तो नहीं है कोई मनी, मनी मैं नहीं जाती ऑफिस, मेरे पास क्या मनी है। तो फ्रेंड्स अभी का सीन ये है, हम लोग वहां से आए थे 3 o'clock मार्केट से और फिर हम आके सो गए थे। अभी टाइम हो रहा है 6:50, हम लोग लेटे हुए, इतनी अच्छी नींद आई ना, बहुत ही अच्छी नींद आई। मैंने व्लॉग को एडिट करा और उसको अपलोड कर दिया और फिर उसके बाद में सो गई। इतनी बेटा प्लीज, इतनी अच्छी नींद आई ना, अभी मन नहीं कर रहा था उठने का, मैं तो चलो पर उठते हैं। अगर अभी भी ये दोनों नहीं उठी ना तो फिर तो बस ये समझ लो कि ये ना रात को ये 12-1 बजे तक नहीं सोएंगी। हाँ अब हम उठेंगे, आज मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आएंगे ऑफिस से, तो अब हम लोग उठते हैं और फिर इन दोनों के लिए खाने पीने का कुछ बनाती हूँ, हमारे लिए कुछ बनाती हूँ, क्योंकि सोते सोते तो कुछ काम होना नहीं है, उठना तो पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी का सीन ये है कि टाइम हो गया 8:30 और काफी कुछ काम हो गया है बीच में, काफी कुछ क्या सारे ही काम हो गया है बीच में। आर्य और आश भी आ गए थे तो उनके साथ टाइम स्पेंड किया, काफी सारी बातें करी। आजकल हमारा ये हो रहा है कभी मैं उनके घर में या वो मेरे घर, क्योंकि हम दोनों यहाँ पे नए शिफ्ट हुए हैं तो फिर अभी ना ऐसे मन ही नहीं लगता है यहाँ पे, अभी ज्यादा लोगों को जानते भी नहीं है, पहले से हमारी दोनों की जान पहचान तो हम दोनों ही मिल लेते हैं, बच्चे आपस में दोनों खुश, तीनों खुश रहते हैं तो हम आपस में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और अभी मैंने क्या क्या कर लिया, हस्बैंड मेरा अभी भी नहीं आया, आज 8:30 हो गया अभी तक नहीं आया, क्योंकि उनका वो मॉर्निंग में बोल के गए थे कि आज मैं लेट होऊंगा, तो इसलिए मैं भी अपना काम आराम आराम से कर दी थी। अब पर मेरा सारा काम हो गया किचन का, बच्चों को भी खाना खिला दिया, मैंने तो कप का खा लिया, हल्का फुल्का खाया वो मैंने खा लिया है, बस हस्बैंड के लिए बनाया है मैंने दाल बनाई और ये रायता बनाया है और ये सुबह वाली अपनी मशरूम और शिमला मिर्च की सब्जी रखी हुई है, तो ये मैंने बनाकर रख दिया है, जैसे वो आएंगे उनको खाना खिला देंगे, दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं। फ्रेंड्स अभी का सीन ये है, टाइम हो गया है 10:15 और अभी हमारे घर में क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चिया वीरू पी रही है दूध। चिया आपने फिनिश कर दिया? नहीं कर, चुचू करने जा रहे हो, जाओ चुचू करके आओ। वीरू अभी अपना दूध फिनिश कर दिए, यहाँ मैंने अपनी ग्रीन टी बना के रखी है जिसको मैं पीऊंगी। बेबी मम्मा खेल रहे हो और केक, केक का है ये केक बनाया आपने, बहुत अच्छा केक बनाया, जो आपको सुसु आई थी ना, सुसु करके आओ पहले, बैड मैनर्स। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े फोल्ड करूंगी, अभी इनको समेट के रख देती हूँ, जब तक मेरी चाय थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी फिर मैं इसे पीऊँ, क्योंकि एकदम गर्म है, अभी बनाकर ही लेके आई हूँ, इनके दूध बनाने के साथ साथ बना के लेके आई थी। मेरे हस्बैंड अभी भी नहीं आए हैं तो अभी हमारा काम ही चल रहा है स्लो मोशन में। इवनिंग हो चुकी है, नाइट होगी, पूरी इवनिंग में आएंगे, नाइट हो गई, आज पापा लेट आ रहे हैं, पता है क्या आपको ये बात। हेलो जाओ, अब जाओ, मैंने डोर ओपन कर दिया। हाँ तो अभी मैं कपड़े अपने फोल्ड करूंगी क्योंकि आज हम उठे हैं शाम को 6 बजे, तो इन दोनों को भी कोई नींद वींद तो आ नहीं रही है, तो फिर आराम से हमारा धीरे धीरे काम हो रहा है, जब तक हम वेट भी कर रहे हैं क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो ये सोएंगी नहीं, तो अभी अपने कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। आप चिया को बहुत प्यार से पिला रहे थे बेटा, वेरी वेरी गुड गर्ल हो। म्मा, म्मा। आजो, ये तो अच्छी बात है, मुझे प्यार करने आ रहे हो, जल्दी जल्दी आओ। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया 11 o'clock, गौरव घर पे आ गए हैं, बच्चे उनके साथ मस्ती कर रहे हैं, डिनर विनर सब हो गया है और अब कर रहे हैं हम सोने की तैयारी। तो मुझे लगा कि मैं व्लॉग को पहले एंड कर देती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं व्लॉग को एंड करना भूल जाती हूँ और सीधा सो जाती हूँ, दूसरे दिन याद आता है कि एंड ही नहीं किया था व्लॉग को, तो अभी व्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।